इमरान की रूस यात्रा को लेकर बड़ा खुलासा। बलूच नेता ने उतार दी कंगाल, इमरान की इज्जत। पहली बार पाकिस्तान को चीन ने बेचा अपना कबाड़। भारत के राफेल को टक्कर देने का है मंसूबा। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नियोते पर इमरान खान रूस दौरे पर जाने वाले हैं। यह खबर बीते कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में छाई हुई है। पाक डिप्लोमेट्स इसे इमरान सरकार की बहुत बड़ी जीत के तौर पर बता रहे हैं। दावा तो दोस्तों यहां तक किया जा रहा है कि रूस अब भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान का साथ देगा। रूसी राष्ट्रपति का इमरान को बुलावा साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन का जाल इस कदर फैल गया है कि हर तोड़ी मरोड़ी गई बात को सच मान लिया जाता है। लेकिन वहीं के एक डिप्लोमेट जान अचक जई ने इन हवा हवाई दावों की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, पाकिस्तानी अखबार द न्यूज में लिखे एक आर्टिकल में जान ने बताया कि असल में रूस ने पाकिस्तान को कोई न्योता भेजा ही नहीं है, बल्कि हमने ही उनसे मांग की है कि हमें न्योता भेजा जाए। असल में इमरान पुतिन से कर्ज मांगने के लिए रूस जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने कर दिया है। रूस फिलहाल यूक्रेन मसले को लेकर अमेरिका के साथ तनाव में उलझा हुआ है। अचक जई के मुताबिक ऐसे वक्त में इमरान के दौरे से हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। दोस्तों, जान अचक जई ने अपने आर्टिकल में विस्तार से यह भी बताया कि अगर इमरान खान रूस का दौरा करते हैं तो यह एक बड़ी डिप्लोमेटिक गलती साबित होगी। अचक जई ने लिखा, आज जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी चल रही है, अगर डिप्लोमेटिक कोशिशें फेल हो जाती है तो कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिकी ब्लॉक और रूसी ब्लॉक आपसी क्रॉस फायर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे गलत वक्त में इमरान खान रूस का दौरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैसला एक ऐसी अल्पमत वाली सरकार ने लिया जो कुछ शक्तिशाली हलकों की मदद से सरकार में बैठी है। दोस्तों, पाकिस्तान की पोल खोलते हुए डिप्लोमेट ने कहा कि अगर यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उस पर हम रूस का समर्थन कर रहे हैं तो बदले में हम रूस से $1 अरब का कर्ज भी मांग रहे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों सवाल यह है कि पाकिस्तान नैतिक समर्थन के बदले रूस को और क्या दे सकता है। जी हां दोस्तों, क्या केवल समर्थन के सहारे सब कुछ हो जाएगा या फिर पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए है? तो इसका जवाब दोस्तों एक बड़ा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान को इस बात से सबक लेना चाहिए कि जो अनुभवी पहलवान होते हैं वो कभी भी ऐसी लड़ाई में नहीं पड़ते जहां पर पहले से ही अपमान होना तय है। और यहां पर अगर इमरान खान रूस का दौरा करता है तो उसका अपमान बिल्कुल तय माना जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध इस वक्त दोस्तों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि जो बाइडेन ने अभी तक इमरान खान को फोन तक नहीं किया है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान दुनिया में ऐप प्रासंगिक हो गया है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो रूस ने पाकिस्तान से समर्थन मांगा है और ना ही अमेरिका ने मास्को जाने से पाकिस्तान को रोका है। क्या पाकिस्तान अब अप्रासंगिक हो गया है या फिर अमेरिका यह बात बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान मास्को से खाली हाथ लौटेगा और इसके बाद फिर से IMF और ATF के जरिए फिर वॉशिंगटन के आगे झोली फैलाकर भीख मांगेगा। दोस्तों, मॉस्को इस वक्त पाकिस्तान को खुश नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से भारत नाराज हो गया। रूस को फिलहाल किसी और चीज से ज्यादा दिल्ली के समर्थन की जरूरत है। रूस कभी भी भारत के बदले पाकिस्तान को नहीं चुन सकता। रूस ये जानता है कि पाकिस्तान समर्थन के बदले बार बार कर्ज की भीख मांगेगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का इमरान खान अब जो गलती करने जा रहा है, ऐसी ही गलती कुछ समय पहले जिया उल हक, जो पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह था, जो जुल्फिकार भुट्टो का तख्ता पलट करके सत्ता में आया था, उसने ईरान क्रांति के वक्त जो शाह थे उनका समर्थन किया था। दरअसल जिया उल हक ईरान के शाह के साथ उस वक्त एकजुटता दिखाने के लिए गए थे जब आयतुल्ला खमनई के नेतृत्व में उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। इसके कुछ ही दिन बाद शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान ये गलती कर रहा है, पाकिस्तान का गलत वक्त में जो डिप्लोमेटिक एडवेंचर करना है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो लिकायत अली है उसने भी अमेरिका की यात्रा के साथ अगर रूस की यात्रा की होती तो शायद पाकिस्तान
पाकिस्तान का इतिहास आज कुछ और रहा होता। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट है जिसने पाकिस्तान की इस मसले पर पोल खोली है, वो बलूचिस्तान सरकार के सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें एक लेखक और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। जान अचकजई पाकिस्तान की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। जान लेखक होने के साथ ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, नेता और मीडिया एंड स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन बलूचिस्तान सरकार के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा वे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू होराइजंस एंड बलूचिस्तान के अध्यक्ष भी है। वहीं दोस्तों, अब दूसरी खबर की बात करें तो दोस्तों, पहली बार चीन अपने कबाड़ को पाकिस्तान को बेचने वाला है। जी हां दोस्तों, चीन अपने 25J10 का नवीनतम संस्करण जल्द ही पाकिस्तान भेजने वाला है, क्योंकि जो रिपोर्टें आई थी उसमें कहा गया था कि 23 मार्च 2022 को पाकिस्तान के अंदर जो परेड में एक फ्लाई पास्ट होने वाला है उसके अंदर यह हिस्सा लेगा। दोस्तों, ये सिंगल इंजन वाला मध्यम वजन का लड़ाकू विमान है जिसको पाकिस्तान की वायुसेना अपने आधुनिकीकरण के लिए अधिग्रहण कर रही है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच जो ये सौदा हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने पहली बार अपने J-10 को बाहर बेचा है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान को जो ये विमान चीन ने बेचा है इसके अंदर उसने अपने खुद का निर्मित WS-10B ताइहांग इंजन लगाया है, जो कि उसने रूसी इंजन को हटाकर लगाया है। इससे पहले जो चीन के J-10A और J-10B वेरिएंट है उसके अंदर रूस का AL-31F इंजन लगाया गया है। वहीं दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान चीन से 36 J-10 सेमी स्टील 4.5 PD की विमान खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन अब इस वक्त यह संख्या घटकर 25 हो गई है। इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, यह विमान पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स के मौजूदा बेड़े में शामिल होगा, जिन्हें संयुक्त रूप से बीजिंग और इस्लामाबाद द्वारा बड़े पैमाने पर तैयार किया गया था। चीन और पाकिस्तान नवीनतम JF-17 Block 3 संस्करण भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक नया सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे यानी ऐसा रडार, एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, परे विजुअल रेंज मिसाइलों के साथ साथ अन्य सुधार भी किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो चीन से J-10 कबाड़ खरीदा है वो भारत के मुकाबला करने के लिए है। आपको बता दूं कि दोस्तों, भारतीय वायुसेना को जल्दी फ्रांस के ऑर्डर किए गए 36 राफेल पूरे मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, देश 114 और लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता है। आपको बता दूं कि दोस्तों, राफेल J-10 से कई मामलों में बहुत ही ज्यादा बेहतर है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन, उन्नत एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रैमजेट संचालित उल्का BVR मिसाइलों सहित हथियारों की एक संभावित व्यापक रेंज शामिल है। बहरहाल, एक समान 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदकर पाकिस्तान की जो वायुसेना है वह आधुनिक बनने की तैयारी कर रही है। वहीं भारत के साथ चीन पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण जो संबंध है उसको देखते हुए यह संभव है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान की वायुसेना J-10S को हवाई परमाणु हथियार ले जाने के लिए बना सकती है। वर्तमान में पाकिस्तान की वायुसेना मिराज जेट विमानों को ऐसे मिशनों का काम सौंपा जाता है, हालांकि उन्हें तत्काल प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।